सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मजीद खान पठान। पठान साहब, आपका मोबाइल नंबर? 9352244014। शहर? अजमेर। अजमेर, ओके। ये आपे सिटी नेक्स्ट प्याजो गाड़ी आपकी है सर? जी। गाड़ी काफ़ी चमचमा रही है, चमक रही है, क्या राज है? क्योंकि सर नई गाड़ी है तो चमचमाएगी। दूसरी बात है, इसका देखो आप मेंटेन कितना कितना प्यारा लुक है इसका। ओके, ये गाड़ी कब से चला रहे हैं सर आप? ये गाड़ी तो अभी 2-2.5 महीने हुए चलाते हुए। और क्या कहते हैं, कितना किलोमीटर चल गई गाड़ी आपकी? 4000 किलोमीटर। 4000 ही चल चुकी है। ओके, आप अजमेर शहर में ही चलाते हैं गाड़ी? नहीं, शहर भी बाहर भी निकलते हैं, शहर में भी चलाते हैं। तो कहाँ से कहाँ चलते हैं आप? बस स्टैंड से हम दरगाह शरीफ, अजमेर शहर का कहीं भी जा सकते हैं। अजमेर लोकल हो गया जी, लोकल परमिट है तो अजमेर का, सिटी परमिट है सिटी में जाएंगे। पर पर्सनल जैसे कि बाहर कोई सवारी मिल जाती है, सरवार शरीफ है, नसीराबाद, पुष्कर, तो कितना डिस्टेंस होगा जी ये अजमेर से? जैसे पुष्कर, अजमेर से पुष्कर तो 18 किलोमीटर है। अच्छा, किशनगढ़ 26 किलोमीटर है। ओके, सरवार शरीफ 70 किलोमीटर पड़ता है। 70 किलोमीटर, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ये गाड़ी चलाने में कैसी लगी? सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ, गाड़ी लगी बहुत प्यारी, क्या प्यारा लगा? प्यारा तो कुछ भी हो सकता है। प्यारा तो देखो, इसका लुक देख लो पहले आप। ओके, दूसरा इसकी बैठक है। बैठक में क्या अच्छा लगा सर आपको? में ये कि इसकी बैठक बहुत प्यारी, क्योंकि एक बार बैठ के दिखाएंगे कैसे होता है, बैठ के दिखाएंगे कैसे। हाँ, क्या अच्छा लगा मतलब? ये बैठक है इसकी। दूसरी गाड़ी में ऐसे बैठना पड़ता है। ओके, इसमें आराम से ड्राइविंग कर सकते हो, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक भी आराम से आप लगा सकते हो, डाउन डाउन है बिल्कुल ब्रेक। अच्छा, तो आप आदमी 200 किलोमीटर भी गाड़ी ले जाएगा, थकावट नहीं होगी इसको। ओके, तो गाड़ी का पावर पिकअप कैसा है? पावर पिकअप बहुत बढ़िया है। बढ़िया, कितना स्पीड भाग जाती है? खींच लेते हो आप? अच्छा, इस गाड़ी में कितनी सवारी बिठाते हैं आप? तीन सवारी बैठ जाती हैं। तो जैसे मान लो जो लोकेशन बताई आपने 70 किलोमीटर दूर या 25-26 किलोमीटर दूर, वो सब लोकेशन में मतलब जाते हैं वहाँ तक। ओके, अच्छा एक बात है, आपने बताया गाड़ी अच्छी है, चलती अच्छी है, पावर पिकअप, बैठक अच्छी है, तीन सवारी बिठाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ इस गाड़ी का मुख्य एवरेज क्या है? एवरेज सर इसका 60 का एवरेज है। 60 का एवरेज, क्या बात कर रहे हैं? लॉन्ग रूट पे 60 का, सिटी में 50-55 का निकाल देती है। 50-55 का सिटी में और लॉन्ग रूट में 60 का एवरेज, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस गाड़ी से, हाँ कुछ कह, अपन सरवार शरीफ जाते हैं 70 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी, तो 250 रुपये का गैस खाती है, मतलब एक तरफ ही आना जाना। 140 किलोमीटर पे 250 रुपये का गैस खाती है। अच्छा जी, सीएनजी, बहुत बढ़िया। तो जो आप बता रहे हैं एवरेज हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब हर कस्टमर में हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश में तो एवरेज सब लोग मतलब ज्यादा चलते हैं, गाड़ी लेते हैं, बाकी कोई गाड़ी लेने का कोई कारण नहीं है। ओके, अब जैसे अपन अतुल शक्ति लेते हैं तो 25 का एवरेज निकालती है। हाँ, सरवार शरीफ जाने का 600 रुपए का 500 का डीजल खाती है। ओके, और अपन आप दूसरी डीजल वाली निकालते हैं तो 30 का एवरेज देते। हाँ, ये सीएनजी का एक गाड़ी का मतलब ये है, एवरेज का बढ़िया है, कम है और लुक बहुत प्यारा गाड़ी का। अच्छा, आप कितने साल से इस गाड़ी चलाने के व्यवसाय में? 30 साल। तो इससे पहले 30 साल से आप कौन कौन सी आपने गाड़ियाँ पहले चलाई? चलाई है बजाज, चलाई है राजा बजाज, चलाई है ओके, अल्फा चलाई है, अल्फा चलाई। अब मैं बजाज की बात करूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, बजाज की बात करूँ और इस गाड़ी की बात करूँ, ईमानदारी से कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, क्यों लगी? क्योंकि आप पे में क्या बैठक बहुत प्यारी है। ओके, ठीक है, अतुल शक्ति में कमर की रीढ़ गड्डी दर्द करने लग जाती है, सरवार से जाते रहते हैं, एक गाड़ी जाओगे ना आपका, आपके दर्द हो जाता है। अच्छा, परेशान हो जाता है उससे, प्लस उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और बजाज, बजाज में क्या है, बजाज में उसकी वही बैठक है, बजाज की वही बैठक है, मतलब टेढ़ा होना पड़ता है और वो खड़ा एकदम रहना पड़ता है। और एवरेज बजाज का? एवरेज का वही 30-35 का एवरेज, लेकिन इसका एवरेज बहुत अच्छा है। तो आप एक बार मुझे बताइए, आपकी एवरेज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इसमें आपको बचत कितनी होती है? क्योंकि यदि कमाई होगी तभी, कमाई मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, बचत तो क्या है इसमें, 80% बचत है। कैसे? जैसे अपन सरवाण यहाँ से 1500-1600 में लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो 250 का केस आ रहा है। हाँ हाँ, तो बचत ही है। ओके, अच्छा इस गाड़ी का जो सर्विस इंटरवल है या सर्विस सपोर्ट जो डीलरशिप की तरफ से मिल रही है, वो कैसी लगी आपको? ओके, सेटिस्फाइड है आप? अच्छा, इस गाड़ी को लॉन्ग रूट में तो चलो खुली सड़क होती है, भागाते चले जाओ, लेकिन सिटी ड्राइव जैसे अजमेर शहर में दरगाह शरीफ की पतली भीड़ी गलियां हैं या टूरिस्ट पॉइंट हैं, तो वहाँ पे इस गाड़ी को चलाने में, मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पतली गली के लिए गाड़ी गई है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब ये गाड़ी बिल्कुल 3.5 फीट चौड़ी है और दूसरी गाड़ी 4 फीट आती है, 4-5 फीट आती है, और दरगाह बाजार की गलियां अजमेर शरीफ की 3-4-5 फीट की, उसमें बाइक वाले भी आता है। हाँ हाँ, उसको निकलने की जगह भी चाहिए, पतली छोटी छोटी गली है, तो उसमें गली में कोई सी गली में गाड़ी डाल के आप ब्रेक निकाल के जा सकते हो। ओके ओके, अच्छा आपने बोला कि गाड़ी मेरे को सुंदर लगी, तो सुंदरता में क्या अच्छा लगा, ऐसा क्या अच्छा लगा? एक तो सामने देखो इसका मार्क, क्या बात है,
ठीक है, प्लस इसमें मोनोग्राम भी बहुत अच्छा दिया है, इसका लुक देखो आप कितना प्यारा लग रहा है, करेक्ट गाड़ी का देख लीजिएगा इतना प्यारा नहीं लगेगा लुक। मैं देख पा रहा हूँ कि आपने इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी जैसे ये एक्सेसरीज लगाई हैं और ये क्रोम का लगा दिया, इसमें काफ़ी पैसा खर्च किया आपने जी, जी, इसका कारण ये सुंदरता, ये यही कमा के देगी तो इसमें लगाएंगे सुंदर और बनाएंगे, जब भी तो कस्टमर हमारे पास में आएंगे। सही कह रहे हैं आप, बात तो सही है आपकी, जैसे हम रहेंगे वैसी गाड़ी रखेंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप इस गाड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मतलब पूरा मैं तो 11 देना चाहता हूँ, 10 में 10 नहीं 11। क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। आप इस गाड़ी से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये गाड़ी औरों को खरीदने की सलाह देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, मैं तो बोलता हूँ कि ये सब छोड़ो, अतुल शक्ति सब छोड़ दो आप, बजाज इसमें आओ सब जो जिसको लेना है, क्योंकि ये गाड़ी एवरेज में प्लस ड्राइवर को थकान नहीं होती है। रात को मैं सरवाड़ सिर्फ गया था, कब कल आज ये नाइट को डे नाइट को सरवाड़ सिर्फ गए थे तो मालूम नहीं पड़ा सरवाड़ सिर्फ कब गए कब आ गए। ओके, तो ये गाड़ी थकावट नहीं देती है, वो गाड़ी थकावट देती है। हमें तो ड्रावर कहना चाहता हूँ कि अपने देखो पहले ड्रावर जो ऑटो लाइन का आदमी बिल्कुल गरीब आदमी होता है, सही बात, वो फाइनेंस पे गाड़ी लेता कैसे क्या करता, तो उसको ये गाड़ी लेना बहुत जरूरी है कि 80% इसमें बचत है, उन गाड़ियों में 50% है, इसमें 80% है। सही है। अच्छा 2 महीने के अंदर, क्योंकि आप 30 साल से इस व्यवसाय में, आपने गाड़ियाँ बहुत सारी चला ली, 2 महीने में ऐसा क्या आपको फर्क नजर आया कमाई के रूप में? कमाई और खर्चा इंपॉर्टेंट है, यानी आपने 10 रुपये कमाए 8 रुपये खर्च कर दिए मतलब नहीं बनता। आपने 2 महीने में इस गाड़ी से कुछ बचत करी है क्या? कुछ बता सकते हैं कितनी बचत करी आपने? देखो बचत तो ये है कि 40-50 हज़ार बचत है। ओके, 2 महीने के अंदर ये 1 महीने 25 हज़ार पकड़ो इसका पूरे खर्चा निकाल के गाड़ी का, अभी तो पूरी बचत है, 3 साल बाद देखेंगे क्या हो रहा है इसमें, 3 साल बाद भी अच्छी चलेगी सर। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच, आप सेटिस्फाइड हैं, हमें बड़ी खुशी हुई और आपने समय दिया। दोस्तों ये आपे प्याजो आपे सिटी नेक्स्ट गाड़ी है, जो कि सिटी कम्यूटर के लिए और दूसरी यू नो बिजनेस के लिए प्याजो ने डेवलप करी है। प्याजो में ये एक शानदार प्रोडक्ट है, कस्टमर के ने खुद एक्सेप्ट किया, बोला है कि वो उसको 55 से 60 की एवरेज मिल रही है। गाड़ी उन्होंने बहुत अच्छे मेंटेन करी है, गाड़ी को उन्होंने ब्यूटिफिकेशन भी काफ़ी खर्चा किया है, पीछे क्रोम वगैरह लगाया है, क्रोम का ये एक बम्पर लगाया है, गाड़ी को नीट एंड क्लीन रखा है, और गाड़ी के अंदर जो उन्होंने मुख्य बातें बताई जैसे कि गाड़ी के अंदर उनको थकान नहीं होती, गाड़ी का लुक अच्छा है, गाड़ी की एवरेज अच्छी है, वो एक लंबा सफ़र 140 किलोमीटर करके आए और उनको कोई कुछ भी ऐसी समस्या नहीं हुई। तो मैं सर थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और मतलब इतना कुछ बताया, मैं उम्मीद करूंगा कि ये प्रोडक्ट ये और लोगों तक पहुंचे और उनकी भी मतलब लाइफ के अंदर जो उनका जीवन है उसके अंदर सुधार हो इस हमारी इस गाड़ी के थ्रू। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।